नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अक्षय राठौड़ है। मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ और एक सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। मैं आपको आज मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो का नाम है प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के बारे में हम जानने वाले हैं कि प्रोटीन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसके यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कौन उसे यूज़ कर सकता है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए हमारे प्रोटीन्स की, और प्रोटीन लेने के से हमें कितनी ज़्यादा नहीं क्या संभावना बढ़ सकती है कि किडनी स्टोन होती है या नहीं। तो ये सब जो सारे नहीं क्या आपके मिथ्स है, ये मिथ्स को हमने क्या आज यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो टॉपिक की तरह नहीं क्या बढ़ती है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे वीडियोज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, स्लाइड में दिख रहा है आपको, स्लाइड में जितने भी नहीं क्या लोग देख रहे हैं, सो कितने लोग ने क्या सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इतने मेहनत से मैं वीडियो आपको बना के यहाँ पे भेजता हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। सो सबसे पहले हम टॉपिक की तरह बढ़ते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन बनता कहाँ से? तो प्रोटीन दो प्रकार से हमें मिलता है। सबसे पहले होता है वेज, दूसरा होता है नॉन वेज। ठीक है, तो वेज और नॉन वेज, इसमें डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये देखते हैं वेज। तो वेज सोर्स नहीं है प्रोटीन का, कहाँ से बनता है? सो जब हम आप मैं जब भी इस दुनिया में हम पहली बार आए दोस्तों, तो आने के बाद में माँ के जो हमने दूध पहले बार ने हमने क्या टच किया था या हमने पिया था, वहीं से हमारा प्रोटीन का सोर्स नहीं स्टार्ट हुआ था। सो ऐसा कहा जाता है कि बर्थ के बाद में जो गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है, बिकॉज इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टिंग वो हमें करता है। उसके बाद में जीएच ग्रोथ हॉर्मोन्स उसमें होते हैं, सो बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार से एनिमल्स में भी नहीं के जो ये होता है दूध मिलता है, जैसे गाय के बछड़े को नहीं के दूध मिलता है, तो वो भी अच्छा होता है। वही टाइम पे गाय नहीं का सबसे ज़्यादा दूध आपको देती है, और वो टाइम पे गाय के दूध में से कोलेस्ट्रम करके जो कि नहीं का सबसे अच्छा फॉर्म अपने के आपको नहीं का फॉर्म मिलता है, जिससे आपका जीएच हॉर्मोन नहीं के बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एनिमल का, बट अभी बात करते हैं ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस ने भी नहीं क्या प्रोटीन ने क्या हमें सबसे पहले कहाँ से मिलता है? तो माँ के दूध से, नंबर वन पॉइंट। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि दूध ने क्या डेढ़ दो साल का हो गया तो उसके बाद में नहीं क्या दूध पीना नहीं क्या छोड़ देते, तो फिर वो टाइम पे नहीं क्या आपको दूध कहाँ से मिलता है? तो वो हम एनिमल प्रोटीन से नहीं क्या डिराइव करते हैं, कुछ 12 साल 14 साल होने तक। उसके बाद में 12 14 साल के बाद में हम कहते हैं प्लांट बेस जो प्रोटीन मिलते हैं हमें, प्लांट्स में से जो भी मिलता होगा, ओके, सेकंड क्लास या फिर जो भी क्लास में हमें मिलता है। फर्स्ट क्लास में तो प्लांट में से मिलता नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो होते हैं वो भी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कौन से होते हैं। सो उसके बाद में होता है एनिमल प्रोटीन, एनिमल बेस से भी हमें मिलता है, जैसे कि फ्लैश होता है, मीट होता है, फिश होता है, एग्स होता है, चिकन, ये हो गया एनिमल बेस्ड प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं कि और प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो एनिमल से यानी कि दूध जो होता है, ओके, जैसे कहते हैं हम दूध मिल्क, सो मिल्क से भी नहीं क्या डिराइव किया जाता है। मिल्क को नहीं क्या फाड़ा जाता है, फाड़ने के बाद उसके चीज फॉर्मेशन होता है। चीज फॉर्मेशन होने के बाद उसमें जो रिमेनिंग सोर्स जो कि पानी होता है, वो पानी होता है वे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पानी होता है उसमें ही 20% नहीं क्या वे होता है जो मिल्क को नहीं क्या फाड़ा जाता है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 80% जो होता है वो दूसरा प्रोटीन होता है, दैट कॉल्ड एज केसिन प्रोटीन। ओके, उसे कैल्शियम कैल्शियनेट भी कहते हैं या फिर केसिन प्रोटीन, माइसेलर प्रोटीन भी कहते हैं। सो ऐसे मिल्क से नहीं क्या दो प्रोटीन बनते हैं। सो मिल्क से सबसे पहला प्रोटीन मिलता है वे, दूसरा प्रोटीन मिलता है केसिन। ओके, सो केसिन माने कौन सा प्रोटीन हो गया? जैसे कि आप पनीर खाते हो, ठीक है, चीज़ वगैरह भी रहता है, जो चीज़ भी निकालने के बाद में भी जो उड़ता है वो होता है आपका केसिन। पहला वाला होता है वे प्रोटीन। अब तो वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, बचपन से ही आप पीते आ रहे हो, सिर्फ इसमें अडल्टरेशन आपको देखना होता है कि इसमें नहीं क्या जरूरी तत्व क्या क्या उसमें मिक्स किए गए हैं, पाश्चराइज किया हुआ है, अल्ट्रा फिल्टर किया हुआ है या नहीं, हाइड्रोनाइज है या नहीं, ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है। तो आज के टॉपिक में वही आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वे प्रोटीन आपको नहीं क्या कौन से इसमें लेना पड़ता है? तो वे प्रोटीन के भी नहीं क्या दोस्तों बहुत से फॉर्म होते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, ये पहला फॉर्म होता है जिसे रॉ फॉर्म कहते हैं, जिसे रॉ प्रोटीन भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है। ठीक है, दूसरा आता है उसमें वे प्रोटीन आइसोलेट्स। ठीक है, तो आइसोलेट्स इसमें नहीं क्या लैक्टोज निकाला जाता है और उसमें सिर्फ प्योर नहीं क्या प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको नहीं क्या वे प्रोटीन आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद में थर्ड प्रोटीन जो होता है दोस्तों, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज। सो ये सबसे बेस्ट फॉर्म होता है। ओके, अगर आप डिपेंड करता है आपके पॉकेट साइज के हिसाब से खर्चा आप कितना करते हो, बिकॉज वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज इट्स अ 140 to 160 रुपीज पर स्कूप के हिसाब से आपको मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो बहुत नहीं क्या उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद में उसके ऊपर हाइड्रोलाइज नहीं क्या यानी कि बहुत से तत्व उसके लैक्टोज पूरे फ्री किए जाते हैं, जीरो कार्ब्स उसमें से निकाले जाते हैं, उसमें लैक्टोज कौन सा भी प्रकार का रहता नहीं है,
ठीक है। तो इसलिए वो डाइजेस्ट होने में भी आपको नहीं क्या आधे से 1 घंटे के अंदर ही आपको डाइजेशन में वो काम आ जाता है। तो उससे आपको ज़्यादा स्मूदनिंग मिलता है, जो भी आपने स्मूथ मसल जो भी वर्कआउट की होगी, जो भी आपने बैक कैटाबोलिज्म पे आप बॉडी गई होगी, तो उसको एनाबोलिज्म के लिए यूज हाइड्रोलाइज प्रोटीन करता है। सेकंड सोर्स होता है दोस्तों, कोई लोग मुझे बहुत से पूछते हैं कि सर कौन सा प्रोटीन यूज करूँ, कौन से कंपनी का यूज करूँ। तो मेरा एक ही कहना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जाके देखना है वो उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में पहला तत्व क्या लिखा हुआ है। सो आप जो न्यूट्रिशन वैल्यूज आप पढ़ते हो, तो न्यूट्रिशन वैल्यूज में भी आपको देखना चाहिए कि भाई इसमें कितने प्रतिशत ने क्या प्रोटीन है, पर स्कूप के हिसाब से कितना प्रतिशत है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, शुगर कितना है, आर्टिफिशियल शुगर है क्या इसमें या फिर नेचुरल शुगर कुछ डाला हुआ है क्या। तो ये सब आपको चेक करना होता है दोस्तों। सो इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो भी आपको बना दूंगा कि लेबलिंग कैसे देखा जाता है, इंग्रेडिएंट कैसे देखा जाता है, और कौन से फॉर्म में आपको फैट लॉस के लिए कौन सा जरूरी होता है और मसल गेनिंग के लिए कौन सा जरूरी होता है। बहुत से मेरे दोस्त यहाँ पे होंगे जो बल्क करते होंगे या फिर मसल गेन करने के लिए नहीं क्या बल्कअप करते हैं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए बल्कअप करते हैं, उसके बाद कटिंग के लिए भी करते हैं, तो कौन सा प्रोटीन यूज करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आपको नहीं क्या यहाँ पे अपलोड कर दूंगा दोस्तों। सो अब तक आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन के नीचे कितने फॉर्म होते हैं और प्रोटीन क्या कहाँ से आता है। सो प्रोटीन खाने से किसी ही प्रकार का आपका साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। प्रोटीन कितना चाहिए होता है, सो प्रोटीन सबसे पहले आपको चाहिए होता है अगर आप सर्वाइवल मोड पे हो, यानी कि आपको सिर्फ जिंदा रहना है। सो जिंदा रहने के लिए आपको 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना होता है, ठीक है। अगर आपको गेनिंग करना है यानी कि मसल ग्रो करना है या फिर फैट लॉस करना है, तो उसका क्राइटेरिया अलग सा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फैट लॉस करना है तो कितना लेना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है 0.5 से आगे लेना पड़ेगा, 0.8 हो सकता है, 0.9, 1 ग्राम पर बॉडी के जी ऑफ लीन बॉडी मास आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको गेनिंग करना है तो गेनिंग में भी आपको नहीं क्या कार्ब्स के साथ, कार्ब्स को रेस्ट्रिक्ट करके या फिर कार्ब्स के साथ में भी आप ले सकते हो, या फिर फैट या फिर कार्ब्स और प्रोटीन के साथ में भी आप कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इट्स अ पॉसिबल थिंग्स दोस्तों, साइंस में अगर आप बिलीव करते हो, साइंस बेस्ड अगर आपको करना है तो इस पे से भी हो सकता है, ठीक है। सो 1.2, 1.5, 1.7, 2 ग्राम, 2.5, 3, 4 ऐसे भी आप ले सकते हो। इफ़ यू आर अ बॉडी बिल्डर देन नेवर माइंड, आपको कुछ भी नहीं होगा। बगर अगर आपका गोल ही नहीं है, अगर आपको सिर्फ बॉडी बनानी है जस्ट फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए या फिर फेसबुक पोस्ट के लिए या फिर मुझे सोशल मीडिया पे नहीं कि मुझे बढ़ना है इसके लिए, तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आपके बॉडी के साथ में इतना ये मत खिलवाड़ कीजिए। पर बॉडी वेट आपको सर्वाइव मोड पे जितना हमें एक बल्कअप के लिए या फिर फिट रहने के लिए चाहिए होता है, उतना ही प्रोटीन आप लीजिए। यानी कि फॉर एग्जांपल एज्यूम कीजिए कि 100 ग्राम मुझे डेली नहीं के प्रोटीन लगता है, तो मैं डेली 100 ग्राम कहाँ से लूँगा, मेरा सोर्स है वेज एंड नॉन वेज, तो मैं वेज से भी लूँगा नॉन वेज से भी लूँगा, तो आपको ये दोनों ही ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ऐसे साइड इफेक्ट कब होते हैं दोस्तों, अगर आप ओवरडोज करते हो और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप सिर्फ प्रोटीन के ऊपर ही रहते हो, बहुत लॉन्ग टर्म के ऊपर प्रोटीन के ऊपर रहते हो, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हो या फिर फैट्स नहीं खाते हो, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो वो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। आज तक के रिसर्च के हिसाब से ऐसा किसी के ऊपर साइड इफेक्ट प्रोटीन के ऊपर वजह से नहीं आया। हाँ आ सकता है कब, जब नहीं क्या अगर उस प्रोटीन में अगर कुछ मिलावट हो तो आपको आ सकते हैं। बहुत से लोगों को एक्ने आते हैं, ओके, या फिर पिंपल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, पीठ पीठ के ऊपर नहीं क्या भी पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है, चेहरा भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं प्रोटीन की वजह से हो रहा है, डेफिनेटली होता है, उसमें इंग्रेडिएंट जो है उसके वजह से होता है दोस्तों। सिर्फ प्रोटीन को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आपने डाला हुआ है उसको आप पढ़िए। मैं आपको अगर बताऊं दोस्तों, इतना प्यारा आपका शरीर है, इतना अनमोल हमारा शरीर भगवान ने बनाया हुआ है, और आप अगर 700-800 रुपये पर केजी के प्रोटीन से अगर आपके किडनी या फिर आपकी हेल्थ को अगर खिलवाड़ कर रहे हो, तो सबसे बुरे तो आप हो और आप ही नहीं क्या खुद के बॉडी के बॉडी को ख़राब करना चाह रहे हो। तो मेरा एक ही सलाह रहेगी दोस्तों, अगर लेना है तो जेन्यून लीजिए, अच्छा इंग्रेडिएंट देखिए कहाँ से डिराइव हो रहा है, ओके, इसमें क्या क्या उन्हें एंजाइम्स डाले हुए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है क्या उसमें, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है, हाइड्रोलाइज है, अल्ट्रा फिल्टर है या फिर ब्लेंड है, ओके। सो ब्लेंड भी होते हैं बहुत से, इसमें कॉन्सेंट्रेट और ये होते हैं। सो ये सब आपको चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी राय से अगर देखा जाए तो प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते दोस्तों, बिकॉज प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, ओके। एक इमारत अगर हम बना रहे हैं तो वो इमारत में बनाते हुए प्रोटीन ही सबसे पहले होता है, जैसे कि ईट ईट हम ये यूज़ करते हैं या फिर सीमेंट यूज़ करते हैं या फिर हम लोहा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो सीमेंट होता है, इट्स लाइक योर ने क्या प्रोटीन, ठीक है। सो आपको ने क्या, अगर सीमेंट ही ना रहे तो बिल्डिंग कैसे रहेगी, सोचिए दोस्तों।
लोहा ही नहीं रहे तो वो बिल्डिंग कैसे रहेगी सोचो, अगर ईट ही ना रहे तो वो कैसे रहेंगी बिल्डिंग सोचो। तो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। सो प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन के फायदे देखते हैं दोस्तों, प्रोटीन के फायदे क्या है। तो सबसे पहले तो मसल सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर मसल बढ़ाना, जेनेसिस जिसे कहते हैं, सॉरी, यानी कि मसल बढ़ाने का काम करता है। अगर आपका बॉडी में अगर नहीं क्या प्रोटीन कम है तो आपको सबसे पहले थकान महसूस होगी, उसके बाद में आपके नहीं क्या बाल झड़ना वगैरह कम हो गए, बाल झड़ना आपका स्टार्ट हुआ होगा। बहुत से लोगों को नहीं के बाल झड़ने के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्रोटीन की लैक होती है, प्रोटीन आप कम ले रहे हो तो उसकी वजह से होता है। दूसरी चीज़ तो आपको वीकनेस ज़्यादा आएगा, वीकनेस की वजह से भी होता है, एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहेंगी, तो ये प्रोटीन की वजह से होता है। सो ध्यान में रखना है आपको प्रोटीन लेके लेना बहुत ज़रूरी होता है। और भी बहुत से प्रोडक्शन होते हैं, मसल गेनिंग के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, फैट लॉस के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या बहुत से लोग जो डायलिसिस पे होते हैं ना दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, जो किडनी जिनका डायलिसिस पे होता है, तो उनको भी 0.8 ग्राम to 1 ग्राम ऑफ लीन बॉडी मास के हिसाब से डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट उनको सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन डाइट उनको देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो किडनी से ऐसा कोई इशू नहीं होता है दोस्तों, इसके बारे में और डिटेल्स हम आगे जानेंगे। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा गया है, यहाँ तक आपको याद आएगा। जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ने क्या मेरे चैनल को ने क्या ग्रो हेल्प कीजिए ग्रो होने में। मैं आपका यही ऐसे ही प्यार ने क्या और आपका आशीर्वाद की ने क्या अपेक्षा करता हूँ दोस्तों। जय हिंद।